हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी OBS में जाके ब्राउज़र को स्क्रॉल नहीं कर पा रहे, किसी भी वेबसाइट को आप स्क्रॉलिंग के ज़रिए पूरी तरह चला नहीं पा रहे, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। आप देख रहे हैं कलसी टेक, और आइए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हमने OBS ओपन किया है। इसमें हम ब्राउज़र को ओपन कर रहे हैं। देखिए, ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया। अभी हमने जो भी वेबसाइट कोई भी चला के देखनी है, इसमें जिसको हमने स्क्रॉलिंग करना है या पूरी तरह से उसको हमने यूज़ करना है, उसके लिए हम पहले नॉर्मली ब्राउज़र में जाके कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। मान लो हम यूट्यूब ही ओपन कर लेते हैं। ये हमने यूट्यूब की वेबसाइट जो ओपन की है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम इस वेबसाइट को पूरी तरह से यूज़ कर पाएंगे। राइट साइड में देखिए, स्क्रॉलिंग का निशान जो आ रहा है, ऊपर नीचे हम इसको कर सकते हैं। कोई भी वीडियो इसमें से हम यूज़ कर सकते हैं, चला के देख सकते हैं। लेकिन OBS में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये स्क्रॉलिंग का जो पॉइंट है, ये नज़र नहीं आता। उसके रिलेटेड हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, हम इसको पहले एड्रेस को कॉपी करते हैं। कॉपी करके इसको हम OBS में ये एड्रेस यूज़ करेंगे। इसी वेबसाइट को हम स्क्रॉल करके देखेंगे। देखिए गाइस, हमने यहाँ पे ये वेबसाइट को ओपन कर लिया, ओके कर दिया, और हमारे वेबसाइट यहाँ पे शो हो गई। आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर वेबसाइट ओपन होने के बाद भी कोई स्क्रॉलिंग का निशान जो है वो नज़र नहीं आ रहा। हम इसको इंटरेक्ट करके देखेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं और ऑप्शन में जाके भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इसको हम स्क्रॉल नहीं कर पा रहे, ऊपर नीचे कहीं पे भी बाकी वीडियो जो है हमें नज़र नहीं आ रही, ना ही हम किसी वीडियो को स्क्रॉलिंग करके देख पा रहे हैं। इसका हम सोल्यूशन लेके आए हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये नीचे आप देख सकते हैं कि कलर की ऑप्शन जो आ रही है, इसमें ये वाले लाइन जो है, कलर के आगे वाला जितना भी लाइन लिखा हुआ है, उनको सारी को डिलीट करके ओके बटन प्रेस करना है। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड में जो स्क्रॉलिंग की जो पॉइंट एंड लाइन नज़र आ रही है, अभी हम इसको इंटरेक्ट करके देखेंगे। यहाँ से कर लीजिए, चाहे ऑप्शन में जाके कर लीजिए, दोनों तरीके से। ये देख लीजिए गाइस, हम इसको वेबसाइट को स्क्रॉल करके पूरा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यही इसका सोल्यूशन है, आसान है। ये मेरी OBS के रिलेटेड पहली वीडियो थी। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन, OBS के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। उसके रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा कोई ना कोई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।